हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निशा की रसोई। और मैं हूं आपकी दोस्त निशा। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए सूजी का उत्पम की रेसिपी लेकर के आई हूं। ये बहुत ही आसान है, खाने में बहुत ही लजीज होता है। आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने एक चम्मच इसी के मेजर से मैं अब सारा इन्ग्रीडियंट्स लूँगी। मैंने यहाँ पर ये सूजी लिया हुआ है, इसमें मैंने 2 चम्मच सूजी लिया था। अब ऐसे ही इसी चम्मच में हम इसमें कम से कम 2.5 चम्मच चावल का आटा ले लेंगे। अब इसमें हम 1.5 चम्मच दही लेंगे। दही आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसमें स्वादानुसार हम नमक डालेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने थोड़े से वेजिटेबल्स कट कर लिए हैं। ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ऑनियन डाल लिया, थोड़ा कैप्सिकम डाल लेंगे, थोड़ा इसमें मैंने ग्रीन चिली डाला है, ये आप अपने अकॉर्डिंग डाल कम या ज़्यादा रख सकते हैं। थोड़ा यहाँ पे मैंने ये गाजर और टमाटर काटे थे, ये मैं इसमें मिला लेती हूँ। और ये थोड़ी सी धनिया पत्ती हम इसमें डाल लेंगे। अब सब इसको पानी डाल करके मिक्स कर लेंगे और इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। ये बैटर हमको बना के रेडी कर लेना है। इसमें शुरू में थोड़ा सा पानी हमको ज़्यादा रखना है, क्योंकि सूजी पानी को थोड़ा पीता है, इसलिए हमको ये बैटर को थोड़ा सा पतला रखना है। ये अपने आप इसको हम 10 मिनट छोड़ देंगे तो ये थोड़ा ठीक हो जाएगा। इसको छोड़ने से पहले हम इसमें थोड़ा सा तड़का लगा लेते हैं, जिससे इसका टेस्ट दुगना हो जाता है। तड़के के लिए हम आइए तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा तेल ले लिया है स्पून पे। अब इसमें मैं थोड़ी सी हींग डाल लूँगी, हींग चटक गई है। अब इसमें हम थोड़ी सी राई डाल लेंगे। ये जैसे ही थोड़ा सा चटक जाएगा इसको हम बैटर पे मिला लेंगे। ये देखिए, इससे क्या है ना, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है। और इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो हमने बैटर तैयार किया है, इसमें देखिए मैंने यहाँ पे मटर थोड़ा सा ग्रेट करके लिए ले लिया है, इसे भी हम इसमें थोड़ा मिला लेंगे, जिससे दिखने में भी अच्छा कलरफुल दिखता है और टेस्ट भी इसका अच्छा बढ़ जाता है। मटर ग्रेट करके ही डालेंगे ये। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए हमारा बैटर कितना ठीक हो गया है। 1 गिलास पानी लगा था हमको इतना बैटर तैयार करने में। ये मुझे थोड़ा ज़्यादा ठीक लग रहा है, इसमें हम थोड़ा सा पानी और मिला देते हैं, जिससे ये थोड़ा ठीक हो जाए। हमारा पैन गर्म हो गया, अब हम इसमें ऑयलिंग कर लेंगे। सबसे फर्स्ट बार जब बनाते हैं तो थोड़ा सा ऑयल लेंगे अच्छे से। देखिए हमने ऑयलिंग कर लिया, अब हम बैटर को इस पर डाल लेंगे। बैटर को डालने के बाद इसको ये देखना है कि बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा मोटा ही डालना है। और इसे अब एक कवर से ढक लेना है, ताकि ये आराम से लो फ्लेम पे धीरे धीरे पकते रहे। ये हमने देखिए ढक लिया है, और अब हम फ्लेम को मीडियम लो करके इसको पकने देंगे। इसको पकने में लगभग 10 मिनट का टाइम लगता है। इसको धीरे धीरे ही पकने देंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसे नहीं पकाना है, वरना वो टेस्ट नहीं आ पाता है। 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब ये हम पलट के देख लेते हैं कि हुआ है कि नहीं रेडी। देखिए एक तरफ से कितना अच्छा ये गोल्डन ब्राउन सिक गया है। अब ऐसे ही दूसरे साइड को भी हमको इसको ढक के सेकने देना है, 5-7 मिनट बाद हम फिर इसे चेक कर लेंगे। ये देखिए 5 मिनट बाद अब हम इसको और पलट के देख लेते हैं दूसरे साइड का सिका है कि नहीं। ये देखिए बहुत ही प्यारा टेक्सचर आया है इसका, बहुत ही अच्छे से सीख गया है ये। अब हम इसको उतार लेते हैं और चटनी के साथ सर्व कर लेते हैं। ये आप खाइए, अपने दोस्तों को खिलाइए, घर में खिलाइए। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का आप ऐसे ही देख पाएँ। बाय दोस्तों।